हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको हम अपडेट देने वाले हैं देवड़ा मूवी का कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो चुका है। मैं डे बाय डे तो नहीं बताऊंगा, लेकिन टोटल बताऊंगा टोटल कलेक्शन कितना हो चुका है, मूवी फ्लॉप कर गई है या फिर हिट की है, ये आज सारा इस वीडियो में देखेंगे। आपको अगर याद हो तो मैंने इस देवड़ा मूवी का रिव्यू भी किया था और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी मैंने बताया था। डे 5 या डे 6 तक का मैंने आपको बताया था कलेक्शन, मुझे उतना याद नहीं है, आप जाकर देख सकते हैं मेरे चैनल पे, सारा वीडियो पड़ा होगा। लेकिन आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि देवड़ा फ्लॉप किया हिट। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, उससे पहले आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों देवड़ा का टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो चुका है डे 19, यानी कि आज तक का जो डे 20 तक का टोटल कलेक्शन हो चुका है देवड़ा का 431 करोड़ 2 लाख वर्ल्ड वाइड, 431 करोड़ 2 लाख वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो चुका है और 277 करोड़ 4 लाख ऑल लैंग्वेज पैन इंडिया में, मतलब इंडिया में जितना भी लैंग्वेज, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नाडा और हिंदी मिलाकर जितना भी लैंग्वेज में आया था इंडिया में, उस सारा का मिलाकर 277 करोड़ 4 लाख कलेक्शन हो चुका है डे 20 तक का। आज तक का मैंने जब ये वीडियो रिकॉर्ड किया है तब तक का ये कलेक्शन हो चुका है इंडिया में 277 करोड़। और हिंदी का, जिसमें से अगर हिंदी का छांट ले तो टोटल डे 20 तक का हिंदी का जो कलेक्शन हुआ है देवड़ा का अभी तक का, ये 62 करोड़ 4 लाख हिंदी लैंग्वेज का, ये तो कल की से भी पीछे चली गई। दोस्तों ये डे 19 तक का अगर मैं बताऊं थर्ड ट्यूजडे यानी कि कल का, तो कल वर्ल्ड वाइड इसका कलेक्शन हुआ था 2 करोड़ सिर्फ और सिर्फ, और इसमें से ऑल लैंग्वेज पैन इंडिया में जितना भी लैंग्वेज में ये आई थी इंडिया में 1 करोड़ 5 लाख, 1.5 करोड़ का कलेक्शन हुआ था डे 19 ट्यूजडे का, थर्ड ट्यूजडे में। और हिंदी में जिसमें से कलेक्शन हुआ था ट्यूजडे में 2 लाख सिर्फ और सिर्फ हिंदी में 2 लाख, तो सोच लीजिए कितना नीचे मूवी गिर गई है। और ऑल लैंग्वेज को भी मिला लें तो सोच लीजिए 1.5 करोड़ सिर्फ और सिर्फ डे 19 ट्यूजडे के दिन, थर्ड ट्यूजडे, तो ये मूवी बहुत ज़्यादा नीचे गिर गई है। और बजट इसका था 350 करोड़ आपको बजट मिलेगा, आप जाकर गूगल पर सर्च कर लीजिएगा, 300 करोड़ बजट है, लेकिन प्रचार प्रसार में, एडवर्टाइजमेंट में करने में ये 350 करोड़ का बजट इसमें लग चुका है। ये ऑब्वियसली मैं आपको बात बता रहा हूँ जो मेकर्स के थ्रू बात ये कहा गया है, 350 करोड़ का इस मूवी का बजट है। अगर ये मूवी का टोटल कलेक्शन हो चुका अभी तक का टोटल वर्ल्ड वाइड 431 करोड़ 2 लाख को अगर हम 350 करोड़ इसका जो बजट है 350 करोड़ और जो प्रॉफिट कलेक्शन हुआ है 431 करोड़ 2 लाख, उसको दोनों को घटाएं तो 81 करोड़ 2 लाख का प्रॉफिट होता है। तो सोच लीजिए इतना कम प्रॉफिट और इतना 350 करोड़ बजट लगा कर मूवी बना, वो तो गनीमत बात है कि इसका बजट भी रिकवर हो गया, नहीं तो बजट भी रिकवर नहीं होता, इतना स्थिति इसका खराब था। और वो बच गई सिर्फ और सिर्फ हिंदी लैंग्वेज से के चलते बच गई पिटते पिटते मूवी, नहीं तो मूवी ये फ्लॉप थी। आप जाकर गूगल करके सर्च कर सकते हैं कि हिंदी लैंग्वेज की ही वजह से मूवी बची थी, नहीं तो मूवी गई थी। कोरताला शिवा, मतलब उनका मूवी एक आया था, मुझे अभी नाम उनका नहीं याद है, आया था उसी मूवी का कॉपी ये मूवी है, मैंने इस बारे में भी वीडियो में बोला था अपना, आप जाकर वो बड़ा भी वीडियो मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो कोरताला शिवा का ये मूवी पिटते पिटते बची सिर्फ और सिर्फ हिंदी ऑडियंस के चलते, नहीं तो ये मूवी पिट जाती। तो दोस्तों ये था मूवी का अपडेट जो मैंने आपको बताया, आप बताइएगा कि आपको ये मूवी कैसा लगा अगर आप मूवी देखे हैं तो। और मैंने याद करिए आपको पहले ही बोला था ये मूवी 1000 करोड़ का कलेक्शन नहीं कर सकती या 500 करोड़ का, ये मूवी जब भी कलेक्शन करेगी 300-400 करोड़ का कलेक्शन, 450 का करेगी, और वही हुआ मूवी इतना ही कलेक्शन की। अब मूवी ज़्यादा कलेक्शन नहीं कर पाएगी क्योंकि मूवी का अब धीरे धीरे मूवी डाउन हो चुकी है, अब बंद भी होगी बॉक्स ऑफिस पर से ये मूवी अब हटेगी, क्योंकि बहुत सारी मूवी आने वाली है, सिंघम अगेन आने वाला है, भूलभुलैया आने वाली है, तो ये मूवी अब बंद होने वाली है, ज़्यादा 1-2-3-4 दिन चले उससे ज़्यादा मूवी नहीं चलेगी। तो कितना भी अगर कर ले तो 500 करोड़ का इसका कलेक्शन नहीं हो सकता है। स्त्री इसको बीट कर चुकी है ये मूवी को, देवड़ा को, ये जूनियर NTR का ये स्थिति है। अब देख लीजिए जानवी कपूर के साथ अगर रहेंगे तो यही होगा, जानवी कपूर के साथ नहीं रहते तो बात अलग हो सकती थी। तो दोस्तों ये था अपडेट, आपको अगर अपडेट अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे जय श्री राम।